हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदराबादी खाना। आज हम मुहर्रम के दो शरबत बनाना बताएंगे। एक है पानी का शरबत और दूसरा है दूध का शरबत। दोनों में ऊद के धुएं का फ्लेवर दिया जाता है। इसके लिए हम अराउंड 50 ग्राम्स ऊद लेकर उसको पाउडर बनाकर रेडी करके रख लेंगे। दूध का शरबत बनाने के लिए हम लेंगे 2 लीटर्स मिल्क, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 500 ग्राम शुगर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अ पिंच ऑफ सैफरन मिल्क डिसॉल्व्ड इन वार्म वाटर और ड्राई फ्रूट्स के स्लाइवर्स। यहाँ पर हमने आमंड्स और काजू के स्लाइवर्स बना के रेडी कर लिया है। अब बॉईल किए हुए मिल्क में हमने शुगर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, सैफरन वाटर भी ऐड कर दिए। अब आप इसको स्टोव पे रख कर शुगर इसकी डिसॉल्व कर ले, या नहीं तो आप स्पून से भी आप इसको डिसॉल्व कर ले सकते। हमारा मिल्क हॉट है इसलिए इजीली डिसॉल्व हो गई। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। अब ये ऊददान में हमने कोल्स स्टोव पर सिलगा कर ऊददान में डालकर रेडी कर लिया। अब ये पॉट को हम, मिट्टी का पॉट है ये, हम इसको ऊददान के ऊपर उल्टा रख देंगे ताकि पूरा स्मोक पॉट में आ जाए। अब देखिए कि इस तरह से रखने, थोड़ा सा ऊपर रखना, एकदम टाइट मत रखिए वरना उसका जो कोयले का आग है वो बुझ जाएंगी। अब स्मोक से फिल हो गया पॉट, अब हम इसको ढक्कन लगा कर हटा लिए। अब स्मोक्ड पॉट में मिल्क ऐड करेंगे। जल्दी से जल्दी करना ये काम सारे, वरना स्मोक पूरा बाहर आ जाता। अब इसको लिड से कवर कर देंगे। थोड़ा सा गैप था इसलिए मैं सिल्वर फॉइल भी लगाई। अब दूसरा हम बनाते हैं पानी का शरबत। पानी का शरबत बनाने के लिए हमने 1 लीटर वाटर लिया, 250 ग्राम शुगर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के स्लाइवर्स और इलायची पाउडर और थोड़ा सैफरन वाटर भी ऐड करेंगे इसमें। एक वेसल में हमने शुगर डाल दिया है। अब अराउंड 1 कप वाटर डालकर इसका सिरप बना लेंगे, शुगर सिरप बना लेंगे स्टोव पर रखकर। सिरप रेडी हो गया। अब हम इसमें बाकी का वाटर भी ऐड कर दिए। टोटल 1 लीटर वाटर ऐड करें। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और सैफरन वाटर भी ऐड कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी हमने ऐड कर लिया है। अब एक कोई भी थाली में को हम गैस पे हम रख दिए इसको हीट होने। अब थाली ले या कोई भी बर्तन, एक ऐसा खुले फ्लैट बर्तन कोई भी लिए, उसको हीट कर लिए चूल्हे पर। अब इसमें हम ऊद का पाउडर जो हम रेडी करके रख लिए थे ये डाले। जैसे स्मोक निकलेगा इसमें से, हम एक बर्तन को इसके ऊपर उलट कर रख देंगे, स्मोक वेसल में भर जाएगा। देखिए स्मोक निकलने लगा। हमने ये वेसल को ऐसा उल्टा कर इसके ऊपर रख दिया। पकड़ के रखिए, पूरा उसके ऊपर मत रख दीजिए। अब इसमें हम शरबत डालकर बंद कर दिया। फिर अब ये जग है, जग में भी हम स्मोक को कैप्चर कर लेंगे। ऊपर रखिए, कांच का जग अगर आप इस पे रख देंगे तो फूट जाएगा। चलिए अब इसमें भी स्मोक अच्छा कैप्चर हो गया। फिर से हम वो जो वाटर वेसल में डाले थे अब इसमें डालेंगे। दो बार स्मोक का इफेक्ट आने से फ्लेवर और बढ़ जाता। अब ये पानी का शरबत भी रेडी हो गया। थोड़ी देर हम ऐसे ही रख देंगे ताकि उस वाटर में अच्छा स्मोक डिसॉल्व हो जाए। अब ये है कुलिया जिसमें शरबत पिया जाता ट्रेडिशनली। हमने पोर कर दिया है इसमें पानी का शरबत, थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे इसको। अब ये रहा दूध का शरबत, इसमें भी पूरा स्मोक अच्छे से डिसॉल्व हो गया। थोड़ी देर उसको सेटल, स्मोक को सेटल होने रख देना तो फ्लेवर उसका और एनहेंस हो जाता। अब हम इसको भी सर्व करेंगे मिट्टी की कुलिया में। थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको भी गार्निश कर देंगे। हमारे दोनों शरबत रेडी टू ड्रिंक हो गए। एंजॉय करिए, आप भी बनाइए। कैसा लगा
कमेंट्स में मेंशन करिए। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।